कर्नाटका के घने जंगलों में पुलिस ऑफिसर्स की एक स्पेशल टीम भारी तादाद में किसी की खोज में निकली थी। एक ऐसे आदमी की खोज जिसकी हैवानियत के चर्चे पूरे साउथ इंडिया में गूंजते थे। पूरी टीम बड़ी तेजी से जंगल की गहराइयों में पहुंच रही थी। उनसे कुछ ही किलोमीटर दूर उनका शिकार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन आज वो अकेला नहीं था। उसके हाथ में उसकी 6 महीने की बच्ची भी थी। वो आदमी किसी खुफिया जगह पर जाकर छुप गया। पुलिस के करीब आने का एहसास उसे बखूबी हो रहा था। वो जंगल को अच्छे से जानता था। अचानक उसकी बेटी रोने लगी। एक सुनसान जंगल में छोटी से छोटी आवाज मीलों तक सुनाई देती है। अगर ये चुप ना हुई तो आज उस आदमी का पकड़ा जाना तय था। कोई भी आम इंसान इस हालत में सबसे पहले अपनी बच्ची की जान को सुरक्षित करने की कोशिश करता, लेकिन उस आदमी को अपनी जान इतनी प्यारी थी कि उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को हमेशा के लिए चुप करवा दिया। किसी भारी चीज से उसका सर कुचलकर अपनी ही बेटी को एक भयानक मौत दे दी और वहां से भाग गया। ये आदमी था इंडिया का सबसे बेरहम खूनी, जिसने जानवरों से लेकर पुलिस वालों और अपने बच्चों तक पर रहम नहीं खाया, जिसने अपने रास्ते में आने वाले एक एक इंसान को दर्दनाक अंजाम दिया। यह आदमी था चंदन तस्कर वीरप्पन। वीरप्पन कोई पैदाइशी क्रिमिनल नहीं था, लेकिन क्राइम करना उसने बचपन से ही शुरू कर दिया। वो करीब 14-15 साल का रहा होगा जब उसने अपना पहला खून किया, जब उसने एक मासूम हाथी के सर में गोली मारी, और 17 साल की उम्र में उसने पहली बार किसी इंसान की जान ली, एक फॉरेस्ट गार्ड की। यहां से वीरप्पन का क्रिमिनल करियर शुरू हुआ। वो एनिमल्स की लीगल हंटिंग करके उनके पार्ट्स को बेचा करता था, जैसे एलिफेंट टस्क यानी कि हाथी दांत। धीरे धीरे उसने अपना गैंग बनाया और एक्सटॉर्शन जैसे क्राइम्स में घुसने लगा। इस सब की वजह से पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगा और उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लेने का डिसीजन लिया। लेकिन वीरप्पन के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, जंगल। बचपन में जंगल में रहा और पला बड़ा हुआ वीरप्पन जंगल की जमीन और उसके उसूलों से बखूबी वाकिफ था और उस जंगल के चप्पे चप्पे आंख बंद करके पहचान सकता था। जिन डिस्टेंसेस को पार करने में दूसरों को कई दिन लग जाते थे, वीरप्पन उन्हें कुछ घंटों में ही पार कर सकता था। वो हवा का रुख मुड़ना, पंछियों और जानवरों के बिहेवियर में चेंज आने से जंगल में हो रही एक्टिविटीज को समझ सकता था। इसलिए जब भी पुलिस उसे पकड़ने जाती, उसे पता चल जाता था। वो किसी भी जंगली जानवर से डरता नहीं था और अपने आप को जंगल का राजा समझता था। इसी के साथ वो एक शानदार शूटर था। एडवांस ऑटोमेटिक राइफल्स के जमाने में वो इंडिपेंडेंस एरा की लॉन्ग रेंज गन्स और डबल बैरल शॉटगन्स यूज किया करता था। कहा जाता है कि वो मीलों दूर से भी हाथी की दो आंखों के बीच में गोली मारता था और एक ही गोली में उस बड़े से जानवर को मार गिराता था। उसे पकड़ने की पुलिस की कोई भी कोशिश हर बार नाकाम हो जाती थी। अगर पुलिस वाले एक बड़ी टीम लेकर जाते थे तो वीरप्पन को शोर सुनकर आसानी से पता चल जाता और वो वहां से भाग निकलता, और अगर वो छोटी टीम्स में जाते तो वीरप्पन अपने साथियों के साथ मिलकर बड़ी चालाकी से उन्हें घेर लेता था और एक एक पुलिस वाले को जान से मार देता था। वीरप्पन को पुलिस वालों से सख्त नफरत थी। वो उन्हें शैतान बुलाता था और हर पुलिस वाले को एक बेरहम और दर्दनाक मौत देता था। उन्हें जिंदा रखकर वो एक एक करके उनके बॉडी पार्ट्स के टुकड़े करता और फिर आखिर में जब वो इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता था, तब वो उसका सर किसी बड़े पत्थर से कुचलकर मार देता या अपनी डबल बैरल शॉटगन से उसकी खोपड़ी खोल देता। हद तो तब हो गई जब एक बार वीरप्पन ने एक पुलिस ऑफिसर श्रीनिवासन को मारने के बाद उसका सर काटकर उससे फुटबॉल खेला था। इसी सब के चलते एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने वीरप्पन का खौफ पूरे देश में फैला दिया। तारीख थी 8 अप्रैल 1993। तमिलनाडु के कोलाथूर एरिया में एक तमिल पोस्टर ने लोगों का ध्यान खींचा। उस पोस्टर में वीरप्पन ने एरिया के पुलिस सुपरिंटेंडेंट को चैलेंज किया, ये कहकर कि मैं कल वलंगुली पट्टी में रहूंगा, अगर तुम सच में अपनी माँ की कोख से पैदा हुए हो तो मुझे पकड़ के दिखाओ। अगला दिन 9 अप्रैल 1993 रैम्बो गोपाल कृष्णन ने अपनी एक पुलिस टीम और कर्नाटका स्टाफ के साथ वीरप्पन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। दो बसेस भरकर पुलिस की ये फोर्स वीरप्पन को पकड़ने की ठान कर अपने रस्ते पर थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यही वीरप्पन की चाल थी। उसने बीच रास्ते पर 10-10 फीट की दूरी पर 14 एक्सप्लोसिव का जाल बिछा रखा था। जैसे ही पुलिस की टीम उसके जाल में फंसी, वीरप्पन के आदमी ने दूर खड़े होकर रिमोट से बटन दबाया और बस एक ऐसा धमाका हुआ कि बस हवा में उछली और अंदर बैठे हुए जवानों का शरीर जलकर खाक हो गया। धमाका इतना भयानक था कि मीलों दूर तक शॉक वेव महसूस हुई। दूसरी बस की टीम जब वहां पहुंची तो उन्हें काफी देर तक सिर्फ धूल क्लियर होने का इंतजार करना पड़ा ताकि वो अपने साथियों को देख भी पाएं। जस्ट इमेजिन,
इस घटना में करीब 20 पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवाई, वो भी इतनी बुरी तरह से कि उनकी लाश भी आसपास के जले गले टुकड़ों में बरामद की गई। इसी के साथ 30 और पुलिस ऑफिसर इंजर्ड हुए। वीरप्पन इतना क्रूर और बेरहम हो गया था कि उससे आसपास के गांवों के लोग भी डरने लगे थे, क्योंकि अगर उसे किसी पर हल्का सा भी शक हो जाता तो वो उन्हें जान से मार देता, चाहे वो कोई मासूम हो, गांव वाला हो, कोई पुलिस वाला हो या फिर उसके अपने कोई गैंग का मेंबर भी। इसी के चलते पुलिस और उसकी मुठभेड़ आए दिन होती रहती थी। लेकिन एक दिन एक ऐसी ही मुठभेड़ में उसकी बेटी की जान चली गई। कहा जाता है जब वो पुलिस से भाग रहा था तो उसके हाथ में उसकी 6 महीने की बच्ची रोने लगी और बचने के लिए उसने अपनी ही बच्ची का सर कुचलकर उसकी जान ले ली। इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन्स हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसकी बच्ची उसके हाथों से एक्सीडेंटली गिर गई और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वीरप्पन ने काफी समय पहले ही अपनी बच्ची को मार डाला ताकि अगर कभी पुलिस उसे पकड़ने आए भी तो उसे अपनी बच्ची की वजह से खतरा ना हो। अपनी बच्ची को मारना उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। वीरप्पन ने धीरे धीरे पुलिस से बचने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स यूज करना शुरू किया। उसने गांव वालों को पैसे देना शुरू किए जिसकी वजह से वो एक रॉबिनहुड जैसा बनता जा रहा था। और तो और जब पुलिस पर प्रेशर बढ़ता तो डेस्परेशन में गांव वालों को टॉर्चर करते वीरप्पन की इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसकी वजह से पुलिस और गांव वालों में डिफरेंसेस आ गए और वीरप्पन उनके लिए और बड़ा हीरो बन गया। यानी कि गांव वाले वीरप्पन की ज्यादा मदद करने लगे। इसी के साथ वो जिन जंगलों में छुपता था वहां से कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर्स पास होते थे, तो जब कर्नाटका में पुलिस उसे पकड़ने आती वो भागकर तमिलनाडु चले जाता। स्टेट डिफरेंसेस के चलते पुलिस उसके खिलाफ एक्शन ले ही नहीं पाती। वहीं तमिलनाडु जाकर उसने अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज को जारी रखा और जब वहां की पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो वापस कर्नाटका आ गया। ऐसे ही वो इन 3 जगहों के आर पार होता रहता था और कानून के लूप होल्स का फायदा उठाता रहता था। इसीलिए उसे पकड़े जाने के लिए एक जॉइंट टीम स्पेशल टास्क फोर्स STF बनाई गई। 15 सालों तक वीरप्पन पुलिस को चकमा देकर कानून की पकड़ से बचता रहा, लेकिन अब उसके सारे रास्ते धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे। लगातार होते रहे पुलिस एनकाउंटर्स में वीरप्पन के ऑलमोस्ट 80% गैंग खत्म हो चुका था। अब उसके साथ मुश्किल से 5-10 लोग बचे थे और तो और उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी खत्म हो रहे थे। लेकिन वीरप्पन के पास उसका एक ही सेफ्टी नेट था, जंगल। और वो ये बात पुलिस वाले भी समझ चुके थे कि अगर वीरप्पन को रोकना है तो उसे जंगल से बाहर ही खदेड़ना पड़ेगा। इसीलिए फाइनली अब उस पर रोक लगा देने की तैयारियां शुरू हुई। इस प्लान का नाम रखा गया ऑपरेशन कुकून। STF के हेड इंस्पेक्टर विजय कुमार, जो कि 10 सालों से वीरप्पन के गैंग को खत्म करने में लगे हुए थे, उन्होंने ही ये प्लान बनाया था। बात थी 2004 की। इंस्पेक्टर विजय कुमार को एक ऐसा क्लू मिला जिसने इस पूरी कहानी के अंजाम को लिख डाला। वो क्लू ये था कि वीरप्पन की आंखों में कुछ तकलीफ हो गई थी, वो ठीक से देख नहीं पा रहा था। इसी का फायदा उठाकर पुलिस के इन्फॉर्मेंट, जिसे ट्रेडर कहा जाता था, उसके थ्रू कई मुलाकातों के बाद वीरप्पन को कन्विंस किया गया कि वो अपनी आंख का इलाज कराए, ट्रीटमेंट कराए, और सरप्राइजिंगली वो मान गया। शायद तकलीफ ज्यादा रही होगी। इसके बाद पुलिस की प्लानिंग ने तेजी पकड़ी। एक एम्बुलेंस का अरेंजमेंट किया गया जिसका ड्राइवर STF का ऑफिसर ही होने वाला था और एक STF ऑफिसर भी साथ में था। और फिर आया D-Day, 14 अक्टूबर 2004। वीरप्पन को उसके अड्डे से पिक किया गया। सफेद कपड़ों में वीरप्पन कमजोर लग रहा था। अपनी पहचान बदलने के लिए उसकी जो सिग्नेचर नहीं थी, मूछें, वो भी उसने काट दी। उसके साथ उसके 4 आदमी एम्बुलेंस में बैठे और फिर सफर शुरू हुआ। थोड़ी दूर जाकर एम्बुलेंस के ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक मारी। दोनों STF ऑफिसर्स एम्बुलेंस से बाहर निकलकर भाग गए। जब तक वीरप्पन समझ सकता कि उसके साथ क्या हुआ है, उतने में 2 सेकंड के अंदर अंदर वो एम्बुलेंस चारों तरफ से 30 आदमियों की बंदूकों से भरी STF की टीम से घिर चुकी थी। मेगाफोन पर अनाउंसमेंट किया गया, वीरप्पन तुम चारों ओर से घिर चुके हो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन वीरप्पन हार मानने वालों से नहीं था। एम्बुलेंस के अंदर से गोली चलाने की आवाज आई और अगले ही पल STF की पूरी टीम ने अपने ऑटोमेटिकल राइफल से एम्बुलेंस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। 300 से ज्यादा गोलियां उस एम्बुलेंस पर चलाई गई। धीरे धीरे STF की टीम एम्बुलेंस की तरफ आगे बढ़ी। अंदर देखने पर पता चला कि वीरप्पन के सारे आदमी मारे जा चुके थे और हाफता हुआ वीरप्पन खुद अपनी आखिरी सांस के लिए लड़ रहा था। इमेजिन, 338 गोलियां चली थी, उसके बावजूद सिर्फ 2 गोलियां वीरप्पन को लगी थी। वो मौत के बिल्कुल करीब था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहा था। आखिरकार 2000 से ज्यादा हाथी, 180 से ज्यादा लोगों की जान लेने के बाद, 20 सालों तक पुलिस और कानून में खौफ का माहौल बनाए रखने के बाद, 14 अक्टूबर 2004 रात 11 बजे वीरप्पन की कहानी को अंजाम मिला। 20 साल का हंट सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो गया।
वीरप्पन अपने आप को भगवान समझता था। वो कहता था कि उसमें सरकारें गिराने की ताकत है और काफी हद तक ये बात सच भी थी। इसीलिए दाऊद के बाद इंडिया में वीरप्पन ही था जिसे पकड़ने पर करोड़ों रुपए का इनाम था। एक्टर राजकुमार की किडनैपिंग के बाद 108 दिनों तक उसने पूरे देश को अपने खौफ में रखा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नागप्पा की किडनैपिंग करके उसने 3 स्टेट्स की गवर्नमेंट को अपने घुटनों पर ला दिया था, लेकिन अंत में उसे मौत के सामने घुटने टेकने पड़े। तो ये थी कहानी वीरप्पन की। आपके क्या थॉट्स हैं हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही अनदेखी, अनसुनी और अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए।